मॉर्निंग स्ट्रीम्स डीएलएड फर्स्ट सेम में कंप्यूटर में जो आज आपका टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। इससे पहले मैंने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आप सबको बताया था, उसके बाद हमारा जो चल रहा है नेक्स्ट टॉपिक वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है सबसे पहले तो ये बताना चाहिए, हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ठीक है, उस पर आप जब भी यूज़ करती है, जैसे आप एप्लीकेशन बनानी है कोई भी, मतलब अगर आपको कोई टाइपिंग करनी हो ठीक है, तो अगर टाइपिंग वगैरह करनी हो तो आप क्या कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे? एमएस वर्ड का, नोट पैड का, वर्ड पैड का। ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये कहलाती हैं हमारी सॉफ्टवेयर। क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर में एक ऐसा पार्ट है जिसको सिर्फ आप देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते ठीक है, ना फील कर सकते ठीक है। हम सॉफ्टवेयर की सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में स्टोर करके रखे गए निर्देशों का वह समूह होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का संचालन किया जाता है ठीक है, अर्थात हार्डवेयर को चलाया जाता है। सॉफ्टवेयर एक निर्देश मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा समूह होता है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाते हैं ठीक है। जैसे अन्य शब्दों में सॉफ्टवेयर का क्रमबद्ध निर्देशों का वह समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है। जैसे अपन को टाइपिंग करना है या कोई उसमें की फाइल डेटाबेस बनाना है, तो वो सब काम कहाँ होंगे? हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ठीक है। चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो अपना एक्सेल हो, एमएस पावर पॉइंट हो, और इसके अलावा वर्ड्स हो, फायरफॉक्स हो, ये सारी जितने वेब ब्राउजर पे होते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं ठीक है। उदाहरण के लिए पत्र लेखन के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, मैंने भी बताया था। से अगर कोई लेटर लिखना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एमएस वर्ड का ठीक है। अब सॉफ्टवेयर को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के होते हैं, हम इनकी डेफिनेशन पे आते हैं ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है इनकी? सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है ठीक है। प्रोग्रामों की प्रोसेसिंग का समय, स्थान आदि का नियंत्रण सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है ठीक है। अब ये कैसे होता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो आप एमएस विंडोज देखते हैं, जो ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, वो आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आता है क्योंकि वो जो आपकी जो एमएस विंडो होती है, जिसके जितनी भी फाइल्स इंस्टॉल की गई होती हैं, वो आपको कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करती है ठीक है। या कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसको रन कराने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करती है उनको कंट्रोल करने का। अगर हमको कंप्यूटर के अंदर कोई 2+1 कराना हो, 3 लाना हो, तो वो सारा कैलकुलेशन यानी कोई लॉजिकल ऑपरेशन लगाना, वो सबका वो हैंडल करने का काम करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स को कंट्रोल करके चलती हैं और हमें एक रिजल्टेंट आउटपुट देती है ठीक है। अब दूसरा आया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो एक निश्चित एप्लीकेशन की क्रियाओं को क्रियान्वित करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये क्या करता है? पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके चलता है ठीक है। उसमें एप्लीकेशंस भी आ गई और ये कई सारी क्रियाएं हो गई, जैसे म्यूजिक चलना है, वीडियो चलना है, वो सारा कौन करेगा? सिस्टम ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा? एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करेगा ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड ठीक है, उस पर सिर्फ हम काम क्या कर सकते हैं? लेटर लिख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा में लिखी जाती है। ये काय में लिखी जाती है? मशीनी भाषा में। प्रोग्राम बनाने वाली कंपनियां द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। जो प्रोग्राम
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमको मार्केट में देते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसी प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम उसके भागों की रखरखाव और मरम्मत के लिए विकसित किए जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आवाज़ हो जाती है कई बार सिस्टम की, या वीडियो आना बंद हो जाती है, तो वो अपन क्या कहते हैं, उसके ड्राइव